तो अभी हम घूमने के लिए जा रहे थे और यहाँ पर एक बकरा घूमते घूमते आया है, असामीज बकरा। देखो कैसे दिख रहा है, बेचारा कहीं से आया है, इसको पता ही नहीं। बहुत सुंदर है, इसकी दाढ़ी भी है, देखो है ना कितना सुंदर। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, मासूम था बेचारा, काफी बाल वाल है इसके, सींग बिल्कुल हुए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज है मेरा छठा दिन इन असम, ठीक है। तो अभी मैं जोरहाट हूँ, कल था रिसेप्शन जैसा कि आपने वीडियो में लिखा हुआ है। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं माजुली द्वीप और देखते हैं कि क्या है। वैसे तो होगा नहीं हमारा, हमारी आज की 5 बजे की ट्रेन भी है, तो 2 गाड़ियाँ जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं इससे शूट करूँगा। के पापा पहुंच गए हैं माजुली और जस्ट मेरे ठीक है सामने 16 किलोमीटर है आई थिंक, और पानी बहुत पास में आ गया। मैं आपको उसको रियर कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये निमाती घाट है गाइस, यहाँ का जोरहाट के पास में, तो यहाँ थोड़ा लिखा भी है निमाती, आगे क्या है मुझे भी नहीं पता। और आगे जो आपको बोट दिख रही है उसमें जा रही है कारें, उसमें भी देखो कारें जा रही है, ऐसे कारें लोड होती है, आपने देखा होगा मोस्टली। तो पहला गियर लगाया और ये गई ऊपर। तो ये सब आइलैंड के उस पार जाने के लिए है सेवा। चलो गए, यहाँ से निकलते हैं, अभी कुछ खास इतना है नहीं, हमको जाना है नहीं वहाँ पर क्योंकि टाइम है नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा। ये लोग कैसे सफाई निकली, अभी और साफ होगी, ये ऐसा निकलता है कच्चा कच्चा। अच्छा, यही है, इसमें नशा बहुत होता है, है? हाँ, नशा होता था इसमें। हाँ, इसमें 10% इसमें जैसे कोई ना 5 में से 1-2 में नशा होता है, अच्छे से खाने से गर्म पसीना होता है इसमें। ले लो भाई, नहीं 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 खराब, ओके ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं 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 बैंड हो जाता है। बताएंगे वहाँ सुपारी है, सुपारी अंदर चुन के निकल, ऐसे बादाम का होता है, कच्चा सुपारी है। तो अभी मैंने स्विच कर लिया है अपने एक्शन कैमरा पे, एच डी कैम पे, ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम ये हो गई है गाइस कि माजुली जो है ये नहीं है, सॉरी मुझे पता नहीं था, तो माजुली जो है वो ये नहीं है, माजुली इसके एंड में है और 1 घंटा लगता है। और एक्चुअली हमारी जो ट्रेन है वो है अभी 5:30 की, तो अभी टाइम जो हो गया है, टाइम अभी देखो 1:45 हो गए, तो अभी ज़्यादा ना घूमते हो, हम यहीं से घूम के निकल जाएंगे, बाद में कभी आएंगे तो निकलेंगे। जो पेड़ दिख रहा है ना,
आर हेडिंग टुवर्ड्स टू जोरहाट रेलवे स्टेशन टाउन। तो ये है, ये शायद बैक साइड है यहाँ की जोरहाट टाउन। ये रहे लगेज और वो रही गाड़ी। चलो अब अंदर चलते हैं। सो ये है जोरहाट टाउन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी ट्रेन है। ये रहे बैग, और पूरे एक घंटे का इंतजार करवाया इस ट्रेन ने। ये देखो जा रही है, हाँ भाई ये नागालैंड एक्सप्रेस। तो हमारा तो खैर A1 और B1 है। ये रही हमारी सीट्स गाइस। रेस्ट हुई है, अराइव्ड ऑन गुवाहाटी स्टेशन। तो अभी रेस्ट रूम जाएंगे, वहाँ पर अपना करेंगे आराम। और 7:30 बजे की ट्रेन है। तो गाइस अभी ना मैं बाहर आया था, तो एक गुवाहाटी स्टेशन बड़ा सुंदर स्टेशन है। यहाँ पर जैसे नागपुर की तरह इंजन लगा हुआ है, देखो इंजन। और अगर गुवाहाटी स्टेशन में आपको दिखाऊँ तो आपको दिखाता हूँ रियर कैमरे से। रिजॉर्ट टाइप का ये गुवाहाटी स्टेशन, नागपुर की तरह रेल का इंजन है बाहर। और यहाँ है हमारा झंडा, कई कलर। यह है गुवाहाटी स्टेशन, काफ़ी सुंदर स्टेशन है ये। फायदा मैं अभी यहाँ मेडिसिन ढूंढ रहा हूँ, ट्रैवल की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं। ये है स्टेशन। ये है तेजस। अब मैं जा रहा हूँ अपने सीधा B11 के अंदर, उन्ना कोटी। B11 चलो गाइस। तो टाइम अभी हो रहा है 7:53। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो बाय बाय गुवाहाटी, बाय बाय असम। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, पूरे आठ दिन हम लोग यहाँ पर रहे, एंजॉय किया बहुत बहुत। गिन लिया शाम के अंदर, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया। तो अभी देखो गोली यहाँ लेटा हुआ है, मैं यहाँ लेटा हूँ, ट्रेन चल रही है। और ये लोग सामने बैठे हैं, देखो मम्मी अरे अन्नू ऐसा कर। ये देखो भाई सामने बैठे, बाकी ये है तेजस के डब्बे। ये देखो बाय बाय आसाम हो रहा है। मजा आया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा गोलू का भी। क्या मन? हम ये 6 दिन बहुत मिस करेंगे। आओ हमें, हमारे पास में है चाय, भुजिया, ये 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 शायद हमारा शाम का। उसमें है कचौरी, अन्नू के पास में भी सेम हुई है। तो कचौरी खाते हैं और ये आनंद लेते हैं। अभी फिलहाल हम है कटिहार जंक्शन पे। ये आई होप आपको दिख रहा हो, बट ये कटिहार जंक्शन है। और अभी हो रहे हैं गाइस 5:53 इन द मॉर्निंग। एंड ये देखो ये जा रही है शॉर्ट लेंगे, चलो। तो टाइम बज रहे हैं अभी सुबह के 11, और ये है आनंद टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल। हाँ आनंद विहार टर्मिनल। तो अभी हम सब बस निकलते हैं, चलो। एंड सो हियर वी आर आनंद टर्मिनल, ठीक है।
ये सब अब यहाँ से निकल के ओला या उबर कुछ करते हैं और चलते हैं। चलो ट्रेन अच्छी थी लेकिन मजा आया। तो वेलकम बैक टू द होम गाइस। तो अभी जस्ट 5 PM लोगों ने और मैं अभी बना रहा हूँ मैगी। तो मैगी बन रही है अभी और मैगी खाने के बाद में मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला और मैं शाम की टीवी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो ब्लॉग में बने रहना और यहाँ पे देखो तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक मैं आपको बुरा नहीं है तो आप लाइक करके चलना और आगे तक जरूर देखना। मेरा मैगी बनाने का थोड़ा स्टाइल अलग है। मैं मैगी में प्याज टमाटर पहले से बना लेता हूँ और सब खा के इसके अंदर पानी मिला दूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ मैगी बना के। और ये मैंने मैगी के पैकेट फाड़ लिए कुछ इस तरीके से और पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मैगी का मसाला। तो ये पानी के ऊपर मैंने मसाला डाल दिया है, मसाला मैंने आपको पहले दिखाया है ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं कैसे तैयार होगी मैगी। मैंने डाल दिया है मसाला तो जब तक ये उबल रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो हमको सर ने गिफ्ट दिए हैं, देखो कितना प्यारा गिफ्ट है। तो ये वहाँ का कुछ है मतलब वहाँ पे आसाम में इसको बहुत अच्छा माना जाता है ठीक है, और ओरिजिनल वाली पत्ती जो सीधा इंपोर्ट हो जाती है बाहर फॉरेन में ठीक है। तो ये है वो पत्ती, ये शेला, ये काफ़ी कॉस्टली आती है वहाँ पर, देखो 600 रुपये किलो है ये लिखा भी है उसके ऊपर। तो ये पत्तियाँ हैं जो जल्दी से नहीं मिलती हैं, असम की स्पेशल। बाकी कभी चाय मिलेगी तो आपको दिखा दूंगा। और बाकी ये गामोसा, इसको गामोसा बोलते हैं। तो मम्मी अभी ट्राई कर रही थी, हम सब ने ट्राई कर लिया है। चलो अब मिलते हैं मैगी खाने के बाद। और एक साला ये भी था, ये खड़ी नीला वाला, एक नीले रंग का साला है, इसको भी शायद गामोसा बोलते हैं यहाँ है। ये भी मिला, बहुत अच्छा पैटर्न है। और एक पर्स, वाओ थैंक यू सर। मेरे को मिला था मेरा वाला कहाँ गया, और जो मम्मी ने पहनी है वो साड़ी और ये रिटर्न गिफ्ट में, तो कितना सुंदर बैग दिया है। और इसके अंदर मैंने अपना गमोसा डाला था, गमोसा निकाली बोलो ऊपर के किस चैन वैन में डाला था, एक गमोसा इसके अंदर भी है। तो ये सब गिफ्ट थे, बाकी हम चलते हैं मैगी डालने के लिए, लेट हो जाएंगे। ये मैगी ली मैंने और इसी का डाल दी। और ये मैगी है बिल्कुल तैयार, देखो कैसे प्याज वगैरह और सब टमाटर मसाले एकदम बढ़िया बने, बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी है मैगी। तो इसको खा लेते हैं और आप भी खाओ, चीयर्स। सो गाइस टाइम आ चुका है व्लॉग को एंड करने का एंड असम सीरीज जो चल रही है हमारी इसको ख़त्म करने का, क्योंकि हमने पूरे 6 दिन असम के अंदर बिताए हैं। तो उसके पार्ट वाइज मैंने अपलोड कर दिए हैं, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेना, ये पूरी असम सीरीज है, मैं इसको एक प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक एक एपिसोड है, एक एक जो ब्लॉग है आपको पसंद आया, वो कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी सीरीज़ कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, आपको इस व्लॉग में कौन सा अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल मैं घर में आ गया हूँ आपको पता है, और गिफ्ट्स वगैरह जो मैंने आपको दिखा दिए हैं तो असम की टी, असम के बागान, मजोली हम जा नहीं पाए तो उसके लिए सॉरी, वो नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। बाकी सीरीज़ और ट्रेडिशन और कोई गलती की हो मैंने असम के बारे में कुछ बताने में या कुछ गलत मेरे मुँह से निकल गया तो उसके लिए सो सॉरी, मुझे इतना नहीं पता है, बट मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत दिखा सकूँ आप लोगों को। तो असम की सीरीज़ को यहीं एंड करते हुए करते हैं व्लॉग को ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज़, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आडियोस अमिगोस, बाय।